नमस्कार। आज मैं आपको केले के पत्ते के रस के फ़ायदे बताऊंगा, जिसमें आपके पूरे शरीर में कहाँ का केले के पत्ते का रस इस्तेमाल करने से या काढ़ा इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदा होगा। जिन व्यक्तियों को गले में खराश रहती है, खांसी जुकाम बुखार रहता है, पुराना पुराना रुका हुआ बुखार रहता है, उनके लिए केले का पत्ता ला के अच्छे से उनको कूट के और उसको पानी में उबाल के, मान लीजिए कि आपके पास केले के पेस्ट, जो आपने पत्ते का पेस्ट बनाया है, 3 चम्मच है, तो आपने 2 कप पानी में उबालना है। 1 कप पानी बचने पे उसे छान के उस पानी को आपने सुबह शाम इस्तेमाल करने से आपके गले की खराश, खांसी, जुकाम और फेफड़ों का इन्फेक्शन और तो और जो पुराना पुराना रुका हुआ बुखार है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसे पीने के इस्तेमाल में भी ला सकते हैं और जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो उसमें सूती कपड़ा डाल के आप माथे पे, शरीर पे पोंछ भी सकते हैं, जिससे कैसा से कैसा बुखार बिल्कुल ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति बार बार बीमार पड़ते हैं, एक बीमारी की दवाई लेते हैं, ठीक होते हैं, फिर दूसरी बीमारी हो जाती है, तो हम कहते हैं उनको कि जी शरीर में आपके इम्यून पावर कम हो गया है, जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो रही है, तो उनके लिए केले पत्ते का जो सूप या कह लीजिए काढ़ा कह लीजिए, वो इस्तेमाल करने से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बढ़ जाती है, जिससे वो बीमार नहीं पड़ते और बिल्कुल ठीक रहते हैं। जिन व्यक्तियों को दस्त की शिकायत रहती है या IBS, जिसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, उनसे वो परेशान रहते हैं इस बीमारी से, तो उनके लिए खास तौर पे कहूँगा केले के पत्ते का सूप या केले के पत्ते का काढ़ा इस्तेमाल करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, जिससे उनकी IBS की शिकायत और दस्त की शिकायत बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सुबह शाम आपने इस्तेमाल करना है। जिनको आंतड़ियों में सूजन रहती है, आमाशय में सूजन रहती है, खाना अच्छा नहीं लगता, खाना खा भी लेते तो पेट में भारीपन रहता है, तो उनके लिए कहूँगा केले के पत्ते का काढ़ा इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। केले के पत्ते का सूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूप में आप तरह तरह की चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे थोड़ा गाजर वगैरह काट के डाल सकते हैं, इसके बाद उसमें थोड़ा पालक वगैरह डाल सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो। जो व्यक्ति पिंपल से परेशान है, झुर्रियों झाइयों से परेशान है, वो केले के पत्ते का पेस्ट बना के अच्छे से चेहरे पर लगा के आधा घंटा छोड़ के गर्म पानी से धो दें, उनके पिम्पल्स, झुर्रियाँ झाइयाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। ये आपने कंटिन्यू कुछ दिन करना है, जिससे आपके चेहरे की तमाम तकलीफ ठीक हो जाएंगे और अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति इसको पीने के काढ़ा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पीने में भी सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं और फेस पे लगाने में भी एक दिन में एक बार जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके बाल झड़ते हैं, बालों में डैंड्रफ है या खारिश होती है या दो मुए बाल हैं, उनके लिए भी केले के पत्ते का पेस्ट लगा के आधा घंटा छोड़ के आप इसे धो दें, हफ्ते में ऐसा 3 बार करें। ऐसा करने से आपके बालों की समस्या ठीक हो जाएगी। इसी तरह आप इसका केले के पत्ते का काढ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम इस्तेमाल करने से आपकी बालों के संबंधित जो परेशानी वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। जो व्यक्ति मोटापा घटाना चाहते हैं, वो केले के पत्ते का काढ़ा सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने से पहले इस्तेमाल करने से उनके शरीर की जो फालतू की चर्बी है वो खत्म हो जाएगी। इसी तरह इसका जो काढ़ा है वो आप इसमें कपड़ा डुबो के अच्छे से वो पूरे शरीर पे मसलने से चर्बी पिघल जाती है। इसी तरह इसका पेस्ट जो होता है वो पेस्ट की मालिश करने से भी चर्बी अच्छे से मेल्ट हो जाती है, क्योंकि ये चर्बी को काटता है, इसलिए इसको कहा गया कि मेदो धातु को कम करता है। तो खास तौर पे कहूँगा मोटापे से परेशान व्यक्तियों को, जी आप इसका पेस्ट की मालिश भी कर सकते हैं या काढ़े की मालिश भी कर सकते हैं और काढ़ा पीने में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, मैंने केले के पत्ते के इतने सारे आपको फ़ायदे बताए, तो मुझे उम्मीद है आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।